2023 खत्म हो चुका है एंड 2024 शुरू हो चुका है, लेकिन इसी के साथ एक बहुत ही तगड़ी सैड न्यूज है कि 2023 एंड होने के साथ साथ कुछ कार्स डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, जिनमें से हमारी एक फेवरेट कार है जिसका नाम है डॉज चैलेंजर। हाँ यार, ये डॉज चैलेंजर डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट सवाल ये है कि यार आखिर क्यों? मतलब ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं थी कि इस गाड़ी की सेल्स नहीं हो रही, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि ये गाड़ी स्पीड वाइज कम है या फिर इसकी पॉपुलैरिटी कम है, बट स्टिल इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ऐसा क्या रीजन है कि ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है? वेल, इसके लिए थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं। 1978 में पहली बार एक क्लासिकल कार मसल कार के नाम से डॉज ने डॉज चैलेंजर को अनवील किया, और 1978 में ही ये कार पहली बार लॉन्च हुई, और हमें इसमें तीन इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते थे जो कि V6 थे, V8 थे और हेमी V8 थे। अब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई एंड थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आते गए, लेकिन जो इसमें एक मेजर चेंज अपने को देखने को मिला वो 2008 में देखने को मिला, जो कि इसका पूरा का पूरा जनरेशनल चेंज था, यानी कि इसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई। यानी कि जहां 1978 से लेके 2007 तक ये बिल्कुल एक क्लासिकल कार की तरह आती थी, वहीं 2008 में इसकी बॉडी एक बिल्कुल मॉडर्न शेप की तरह हो गई एंड यहां पे बहुत ही तगड़ी ये गाड़ी देखने में लग गई। उसके बाद भी 2023 तक इसके लुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं ऊपर नीचे तक, बट सेम कॉन्सेप्ट डिजाइन वही रहा। अभी इस वक्त हमारे पास उसमें काफी सारे वेरिएशन थे, जैसे कि सबसे पहला इंजन वेरिएशन 3.6 लीटर का V6 इंजन, सेकेंड वेरियंट था 5.7 लीटर का हेमी V8 का इंजन, तो थर्ड वाला है वो 392 का हेमी V8 इंजन। एंड इसके बाद भी इसमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन आता था जिसको हम 6.2 लीटर का हेमी V8 सुपरचार्ज इंजन बोलते हैं, एंड इसके अंदर से 800 HP की पावर एंड 700 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती थी। एंड अगर तुम लोगों को ये भी नहीं पसंद है तो इसके बाद भी तुम लोगों को जेल ब्रेक और SRT डीमन जैसी और डॉज चैलेंजर्स मिल जाती थी जिसमें 1000+ HP देखने को मिलती थी। सब कुछ सही तो चल ही रहा था, बट अचानक से यहाँ पे डॉज चैलेंजर ने अनाउंस किया कि 2023 के एंड होते होते हम भी अपने डॉज चैलेंजर को डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब ऐसा क्यों ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इन्होंने लास्ट जो अपनी डॉज चैलेंजर निकाली उसका नाम था डॉज चैलेंजर SRT डीमन 170, जिसके स्टॉक का पावर सिर्फ 1000+ HP का था एंड जो की 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.66 सेकंड में टच कर रही थी। तो पता है कितनी अमेजिंग चीज है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये डिसकंटिन्यू हो गई। मतलब डॉज चैलेंजर एक ऐसी कार है जिसका क्रेज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी और सारे जितने भी वर्ल्ड में पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में, एंड फिर भी ये डिसकंटिन्यू हो गई। जितना क्रेज मस्टैंग या फिर कैमेरो वगैरह का है उतना ही क्रेज डॉज चैलेंजर का ही है, बल्कि उससे ज्यादा क्रेज है, बट स्टिल ये डिसकंटिन्यू हो गई। हम सभी को पता है यार कि हम सभी को ईवी ना चाहते हुए भी ईवीज लॉन्च हो रही है, यहां तक कि मस्टैंग ने भी अपनी ईवी अनवील कर दी है, GTR तक की ईवी अनवील हो चुकी है, जो कि एक JDM कार आती है उसकी भी ईवी आ चुकी है। इसीलिए यहाँ पे हमारी डॉज चैलेंजर भी डिसकंटिन्यू हो रही है, जहाँ पे V8 जैसे खतरनाक परफॉर्मेंस वाले इंजन देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे अब डॉज चैलेंजर हमको एक मोटर के साथ देखने को मिलेगी, जहाँ पे तुम्हें सब कुछ लगभग सेम मिलेगा बट तुमको वो इंजन का साउंड देखने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अब हमारी डॉज चैलेंजर सिर्फ इस ईवी एवोल्यूशन की वजह से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। जहाँ सारी कंपनीज एक ईवी बनाने की रेस में भाग रही हैं, वहीं डॉज चैलेंजर भी अपनी डॉज चैलेंजर को ईवी बनाने की रेस में भाग रही है। अब मुझे नहीं पता ये तुम लोगों के लिए कितना सैड है, बट मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सैड है। एंड इफ यू आर अ रियल फैन मुझे कमेंट करके बताओ यार कि तुम लोगों का पता लगा था कि डॉज चैलेंजर जैसी गाड़ी होती है एंड तुम कब इस गाड़ी के फैन बने थे, बिकॉज यार मैं तो 2000 से ही इसका फैन हूँ, जब से मैंने पहली बार विन डीजल को डॉज चैलेंजर चलाते हुए देखा था। आई लव दैट कार एंड फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड हम इसे खरीदने ही वाले हैं। इंडिया में तो तुम्हें इसका वर्जन ईवी वाला वैसे भी नहीं मिलेगा एंड वैसे भी ये ईवी वाली आने वाली तो किसको ही चाहिए। तो भाई यही था आज की वीडियो में, मैं जस्ट तुम्हें बताना चाहता था कि हमारी एक और फेवरेट कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है। यहाँ तक कि सिर्फ डॉज चैलेंजर ही नहीं, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर जो कि पिछले 11 साल से बार बार प्रोडक्शन में आ रही थी, अभी वो भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। यहाँ तक कि ऑडी R8 भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है एंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे लिस्ट बढ़ती चली जाएगी एंड हमारी कार्स डिसकंटिन्यू होती चली जाएंगी जस्ट बिकॉज ईवी एवोल्यूशन। यही था आज की वीडियो में, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।